कुछ स्कूल के बच्चे इनसे सवाल जवाब करेंगे। हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब? कुछ बोलना चाहोगे आप? अरे बोल यार, फरमान आ यार, आओ यार। तो क्या बोलना चाहोगे आप? कौन से स्कूल में पढ़ते हो? सरारा। स्कूल का पूरा नाम बताइए ना। अच्छा, और क्या पूछे भाई हमारे कैमरामैन इनसे? और ये सारे बच्चे हमारे सामने शर्म के मारे निकल गए, पता नहीं क्यों। और इनसे हम पूछना चाहते थे, अच्छा चलो आप ही से पूछते हैं, सारे बच्चे तो निकल चुके हैं, आप इन बच्चे से हम पूछते हैं। होशियार बच्चे लग रहे हैं हमें, बहुत ही होशियार है। बाकी बच्चे देखिए कैमरा के पीछे कैसे देख रहे हैं, कैमरा मैन फोकस करो। तो ये देखिए, ये होशियार बच्चे हैं। आप स्कूल पढ़ रहे हो, कौन सी क्लास में पढ़ रहे हो? 8 में। क्या बनना चाहते हो लाइफ में? राइडर। राइडर? यूकेजी। कौन सा राइडर? अरे बाइक राइडर, कार राइडर, हेलीकॉप्टर राइडर, या फिर जंपिंग राइडर? तो भाई ये राइडर बनना चाहते हैं, तो कृपया राइडर बनने की ना सोचे। हमने भी सोचा था, घुटने का छिलका निकाल दिया है, तो कृपया राइडर छोड़िए। हेलो दोस्तों, नमस्कार, गुड मॉर्निंग, कैसे हो आप सब? और बहुत टाइम बाद आपके बीच में मैं लेके आ रहा हूँ एक और व्लॉग। और दोस्तों, क्योंकि टाइम नहीं मिलता था, और अभी बज रहे हैं वैसे सुबह के 6:15, क्योंकि आजकल हर टाइम ये रोटेशन है मेरा, सुबह 6 बजे उठता हूँ और निकल पड़ता हूँ अपने काम की ओर। इस वजह से बिल्कुल टाइम नहीं दे पाता हूँ ब्लॉगिंग में, क्योंकि अपने अगर ब्लॉगिंग ही करता रहूँगा तो काम नहीं कर पाऊँगा। इस वजह से ब्लॉगिंग थोड़ा छोड़ दी थी और अपने काम धंधे पर थोड़ा ध्यान दे रहा था। कभी प्रोग्राम हो रहे थे, कभी कुछ हो रहा था, तो इस वजह से बिजी रहता था। कभी दुकान में रहता था, कभी कहीं चले जाता था, कभी कुछ, मतलब भाई 2 रुपये कमाना है, कैसे भी कमाना है आपको पता ही है, और घर चलाना है तो कमाना ही पड़ेगा। इस वजह से ब्लॉगिंग से थोड़ा दूर था, और अभी जा रहा हूँ मैं थोड़ा कहीं और। तो दोस्तों, आज हल्की फुल्की बारिश की बूंदों के साथ आपको ले चलता हूँ। ये देखिए सामने स्क्रीन पे क्या बारिश लगी हुई है दोस्तों। मैंने गाड़ी में रखी थी 2 कैंडियाँ, ये देखिए 2 टॉफी, और देखिए इन टॉफी पे आ गई चींटियाँ। ये जा रही चींटियाँ, ये देखिए, पता नहीं कहाँ कहाँ से इनको पता चल जाता है यार, हद है। ये देखिए चींटियाँ जा रही। भाई ये टॉफियाँ रखना ही बेकार है गाड़ी में। तो आ चुका है संजू डॉन, डॉन भाई हमारे, तो गाड़ी ये चलाएंगे, इसे हम ट्रेनिंग दे रहे हैं। तो दोस्तों चल पड़े हम अपने सफर की ओर, हमेशा सुबह सुबह यही रोटेशन है। और अब तो मेरे साथ संजू भी, संजू डॉन भी जुड़ चुका है, कैमरामैन हम बने हुए हैं। और देखिए हमें कहा है सामने एक हिरन, ये देखिए हिरन। तो दोस्तों वैसे तो मैंने मजा किया आपके साथ, लेकिन मैं आपको अभी जहाँ मैं जाऊँगा तो हो सकता है आपको मैं हिरन भी दिखा दूँ, और जंगली मुर्गियाँ तो भाई बतेरे रहते हैं, और देखते हैं अभी दिख पाते हैं या नहीं दिख पाते हैं, वो भी हम आपको दिखाएंगे जरूर। वो सब आपकी किस्मत की बात है, दिख पाते हैं या नहीं दिख पाते हैं। तो यहाँ पे दोस्तों हमारे संजू बाबा, जिसको हम डॉन भी बोलते हैं प्यार से घर में, तो गए हैं अभी दूध देने, तो आएंगे फिर गाड़ी चलाएंगे, और हमें हो रही है अभी लेट। तो दोस्तों देखिए पुल का नज़ारा कुछ इस प्रकार से है, और आजकल इस पुल में लग रहे हैं दोनों साइड जालियाँ, अभी तो एक साइड है, एक साइड नहीं है, दूसरी साइड भी लग जाएंगे। और आपको दिखाता हूँ इस साइड का नज़ारा, ये देखिए पूरे नदी के ऊपर जो ये टोरा आपको नजर आ रहा है वो लगा हुआ है, और सामने जिला सुंदर नज़ारा, और सामने तो ऊपर साइड बद्रीनाथ साइड तो भाई बादल वगैरह और बरसात, और बरसात के साथ साथ बर्फबारी तो ये लगातार जारी है। और जो भी अभी बद्रीनाथ आए या केदारनाथ आए या चारों धाम यात्रा करें, तो वो कपड़े अच्छे खासे मोटे पहन के आए, क्योंकि अब होते हैं इन जगह और भी ज़्यादा ठंड, हद से ज़्यादा ठंड होती है, तो कपड़े वगैरह पहन के अच्छे से आए। तो ये पहुँच चुके हैं हम दोस्तों लंगाश्यू मार्केट में, और स्कूल के सारे बच्चे जा रहे हैं, और ये लंगाश्यू का नज़ारा, बहुत टाइम बाद आपको लंगाश्यू का नज़ारा दिखा रहा हूँ मैं।
तो सुबह मॉर्निंग में अभी गंगाशू में थोड़ा सूना सूनापन नजर आ रहा है और रोडवेज आ रही है भाई यहाँ पे संभल के डोर भाई गोपेश्वर मंडल देहरादून की। तो गोपेश्वर मंडल से आ रही है ये वाली बस। तो यहाँ पे दोस्तों देखिए लंगाशू बिल्कुल ही बहुत चेंज हो चुका है, अभी आपको दिखाऊंगा तो नज़ारा देखिए। वैसे आप देख ही रहे होंगे जिन्होंने पहले लंगाशू देख रखा था। और ये देखिए एक रोड जा रही है यहाँ से ऊपर, प्रधानमंत्री वाली रोड है, और ये जा रही है मैखुरा चमाली होकर के वो वाली रोड। और ये देखिए लंगाशू कितना चेंज किया, लोगों ने सोचा यहाँ पर हॉस्पिटल खुल रहा है और हॉस्पिटल के नाम पे खुल गया है क्या रेस्टोरेंट होटल। अभी तो दोस्तों लंगाशू में आपको एक चीज़ और दिखाऊंगा, वाइन शॉप तो वो खुल चुकी है और लंगाशू गांव वाले पूरा लोग करते हैं यहाँ पे धरना, दिन भर धरने पे बैठे रहते हैं और उधर से ठेके वाले चले रहते हैं। ये देखिए दोस्तों यहाँ पे गाँव वाले बैठे रहते हैं धरना पे करीबन एक डेढ़ महीने से ऊपर हो गया है। और यहाँ पे है ये देखिए ये है बिल्कुल वाइन शॉप नंदप्रयाग की उप दुकान। और दोस्तों सामने नजर आ रहा है गिरसा का नजारा, किताबों में तो जरूर पढ़ा होगा भरत गुफा। दोस्तों भरत गुफा के बारे में आपने सुना होगा कि भरत गुफा कहाँ है, जो चमोली उत्तराखंड के रहने वाले, तो आपने सुना होगा कि गिरसा गांव में है। तो मैं आपको बताता हूँ भरत गुफा कहाँ है, वो भरत गुफा कहाँ है। एक्चुअली दोस्तों अभी नजर नहीं आ रहा है लेकिन अभी अभी देखिए साइड भरत गुफा है। ओ भाई ये देखिए क्या टूट फूट हो रखी है इस बरसात में रोड पे, तो वहाँ है दोस्तों भरत गुफा। तो आपको बता दूँ दोस्तों भरत गुफा में गया हुआ था और वहाँ की मैंने वीडियो भी बना रखी है, और जिन्होंने वो वीडियो नहीं देखी है बहुत पुरानी वीडियो है, करीबन जब मैंने यूट्यूब स्टार्ट किया था उस टाइम की वीडियो है, और आपको वो वाली वीडियो मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, तो आप ज़रूर देखना भरत गुफा कैसे कैसे मतलब किन कष्टों से होकर के हम उस जंगल के बीच में गए थे। बहुत बड़ा जंगल है, घना जंगल है, और इसी बरसात में हम वहाँ गए थे। तो भैया और उनकी बहनों आप सोच रहे होंगे कि हम कहाँ जा रहे हैं, तो ये देखिए पहला रास्ता। तो आप सोच रहे होंगे कि अभी तक तो हम लंगाशू में थे लेकिन हम लंगाशू से आ गए हैं वापस और हम जा रहे हैं किस वाले रोड पे, ये हमारे डॉन भाई बताएंगे। बता रहे भाई श्याम शरण हमारे रोड पर, तो हम जा रहे हैं रुक भाई स्कूल चले हम। तो यहाँ पे सर जी भी हमें मिल चुके हैं। तो मित्रों हम कर रहे हैं कौन सी सेवा, जे सेवा बना वाला कर रहे हैं, सभी आनंद ले रहे हैं हमारी बातों का हल्की हल्की बारिश के बूंदों के साथ। तो मित्रों जनता बेवकूफ नहीं है मित्रों, वोट दे समझ के, सोच समझ के दे, हम ये नहीं कह रहे हम ही को दे, जो लायक है उसी को दे और जिसको देते हैं आप जरूर देना। तो हम पहुंचे यहाँ पे डॉन भाई के मुर्गी फार्म पे और मच्छी पालन भी है यहाँ पे, तो वो भी दिखाएंगे हम आपको बहुत जल्दी। ऐसे रास्ते पे हम चल रहे हैं, बिल्कुल ही खत्म रोड है और सामने चल रही है गाड़ियों की धुलाई। एक राकेश सावंत है, एक बूढ़े को नानू छ चल भाई, और ये देखिए गदरा। तो दोस्तों मैंने आपको अपनी वीडियो में बहुत बार बता दिया है इस रोड के बारे में, जब हम बच्चे थे हमारी दाढ़ी भी नहीं आई थी तब ये रोड बन चुकी थी, लेकिन आज तक इस रोड पर डामरीकरण नहीं है, अब तो हमारे बाल भी फूलने बैठ गए हैं, ये रोड जैसी की तैसी है। अब इसमें हम गलती किसको माने, प्रशासन को माने, राजनेताओं को माने या खुद जनता को माने, अब वो आप ही लोग कमेंट करके बताना कौन इसमें दोषी है, हम तो क्या बताएं। क्योंकि तो आप लोग दोस्तों ज़रूर बोल रहे होंगे कि आपने संजू का परिचय दिया है और पीछे दो आदमी बैठे हैं लेकिन उनका आपने परिचय नहीं दिया है, तो वो खुद आपको परिचय देंगे। सर और मैम परिचय दीजिए। हम राजकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय सरना राजकीय अध्यापक हैं
तो दोस्तों आपको मैंने बताया था अगर आपकी किस्मत में होगा तो हिरण दिखाएंगे और जंगली मुर्गियाँ दिखाएंगे। तो हिरण का अड्डा पहले मैं आपको बताता हूँ। तो ज़्यादातर हमें इन जगहों पे वो हिरण नज़र आ जाते हैं। एक आपको बता दूँ, एक अलग ही हिरण है और वो है वाइट कलर का, मतलब पूरा वाइट भी नहीं है। तो बहुत टाइम से वो हिरण नज़र नहीं आया, इन रास्तों पर दिख जाते हैं वैसे, क्योंकि पूरा जंगल का रास्ता है। तो दोस्तों अगर जेसीबी वाले हमारी वीडियो देख रहा है, जेसीबी वाला भाई हमारे पोखरी से आता है, तो इस रास्ते को भी ठीक करें। यहाँ पे बिल्कुल बारीक गोल पत्थर हो रखे हैं और यहाँ पे गाड़ियाँ बहुत ज़्यादा फिसलती है, खास करके हमारी छोटी छोटी गाड़ियाँ। तो दोस्तों देखिए हम कहाँ पहुँच चुके हैं चलते चलते, और सामने है देखिए हनुमान मंदिर। और सुबह सुबह आपको हनुमान जी के दर्शन कराते हैं सुबह सुबह मॉर्निंग में। और सामने है स्कूल, हाई स्कूल है सामने ऊपर, और इधर है सरणा एवराश, और ये है सेम, और यहाँ नीचे बोलते हैं भिलकुड़ी, ये रास्ता है यहाँ से जाते हैं। और कहाँ से आ रहे हैं हम देखिए, नदी नज़र आ रही है, जिलाशु लंगाशु कालेश्वर, बहुत सारे ऐसे नज़ारे हैं यहाँ पे देखिए भाई, चारों तरफ के नज़ारा देखिए। और हमारे डॉन भाई ड्राइविंग पे। हेलो सर, हेलो 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 सर, कैसे हो आप सब? तो मित्रों मित्रों वाली भाषा में बोल दीजिए, बड़ा आनंद आता है, बड़ा आनंद आता है सच में मित्रों भाइयों और उनकी बहनों। तो कृपया दोस्तों हम सिर्फ मजाक तक कहे, सीरियसली ना ले, जो इनके भक्त हैं मोदी जी के वो सीरियस ना ले, हंसी मजाक चलती रहती है। अभी तो हम हर किसी पे बोलेंगे कोई, अरे वाह यहाँ क्या क्या रखा है, तो आपको नज़र आ रहा दिखाते हैं यहाँ से, क्योंकि हम बहुत टॉप पे आ रखे हैं यहाँ पे अभी, और यहाँ से दिखाता हूँ मैं कुछ खास आपको। तो सामने देखिए दोस्तों, इस साइड हो गया कालेश्वर, और नीचे देखिए सिवाय रेलवे स्टेशन हल्का हल्का आपको नज़र आ रहा होगा। तो दोस्तों यहाँ पे आ रहे हैं स्कूल के बच्चे, और हमारे संजू भाई बोल रहे हैं कि इनसे थोड़ा कुछ सवाल जवाब किया जाए, और सवाल जवाब करेंगे हम हंसी मजाक में। कहाँ से आ रहे हो अभी देखना आप, बात कराते हैं बच्चों से। तो मित्रों यहाँ पे आ रहे हैं कुछ स्कूल के बच्चे, इनसे करेंगे हम सवाल जवाब, आइए करते हैं सवाल जवाब, आइए कुछ स्कूल के बच्चे इनसे सवाल जवाब करेंगे। हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब, कुछ बोलना चाहोगे आप? अरे बोल यार, फरमान आ यार, आओ यार, क्या बोल रहे हैं? तो क्या बोलना चाहोगे आप, कौन से स्कूल में पढ़ते हो? सरणा। स्कूल का पूरा नाम बताइए ना। अच्छा, और क्या पूछे भाई हमारे कैमरामैन इनसे? ये सारे बच्चे हमारे सामने शर्म के मारे निकल गए पता नहीं क्यों, और इनसे हम पूछना चाहते थे। अच्छा चलो आप ही से पूछते हैं, सारे बच्चे तो निकल चुके हैं, इन बच्चे से हम पूछते हैं। होशियार बच्चे लग रहे हैं हमें, बहुत ही होशियार है। बाकी बच्चे देखिए कैमरा के पीछे कैसे देख रहे हैं, कैमरा मैन फोकस करो। तो ये देखिए ये होशियार बच्चे हैं। आप स्कूल पढ़ रहे हो, कौन सी क्लास में पढ़ रहे हो? 8 में। क्या बनना चाहते हो लाइफ में? राइडर। राइडर, यूकेजी। कौन सा राइडर? अरे बाइक राइडर, कार राइडर, हेलीकॉप्टर राइडर, या फिर जंपिंग राइडर। तो भाई ये राइडर बनना चाहते हैं, तो कृपया राइडर बनने की ना सोचे, हमने भी सोचा था, घुटने का छिलका निकाल दिया है, तो कृपया राइडर राइडर छोड़िए। और यहाँ से आप ये बच्चे बताइए यार। तो दोस्तों पंडित जी, तो दोस्तों ये है पहाड़ के बच्चे, शर्म के मारे शर्मा जाते हैं, तो चलो हम चलते हैं, ये शर्म के मारे ये भी गए हम भी गए।